काफ़ी सारे लोग हमारे पास डे बाय डे ओपीडी में आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कितना पानी पीना चाहिए। तो आज का ये वीडियो लेकर मैं आया हूँ आपके सामने स्पेशली यही टॉपिक पे कि हमें पानी कब पीना चाहिए, हमें कितना पानी पीना चाहिए, खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए, खाना खाने के वक्त पानी पीना चाहिए, खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, पानी अगर ज़्यादा पिया तो क्या बीमारियाँ होती है, पानी कम पीने से क्या बीमारियाँ होती है। तो आज का ये वीडियो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो पानी पीने के नियमों के बारे में है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रिजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था पानी पीने के नियम के बारे में। आजकल मार्केट में हम जितने भी लोगों को देखते हैं, कोई बोलता है मैं 9 लीटर पानी पीता हूँ, कोई बोलता है मैं 10 लीटर पानी पीता हूँ। जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, काफ़ी लोगों की पानी पीने के बारे में अलग अलग प्रकार की राय है। तो आयुर्वेद उसके बारे में क्या कहता है वो हम जानते हैं। आयुर्वेद में पानी पीने के क्या क्या नियम बताए गए हैं आज उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी आपको पीना चाहिए। मतलब हम जो सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी हमें पीना चाहिए, पानी ज़्यादा पीने से हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, आयुर्वेद उस बात का समर्थन नहीं करता है। और आज आपको मैं ये जो बात बता रहा हूँ वो पूरे रेफरेंस के साथ, जो आयुर्वेद की जो संहिताएँ हैं, आयुर्वेद की जो बुक्स हैं, उसमें जो बातें बताई गई हैं पानी पीने के बारे में, वो बातें आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी आपको पीना चाहिए। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में वाग्भट ऋषि ने सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में ऐसा कहा गया है, न अम्बु पेयम शक्तिवाह, मतलब कि आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, आपके शरीर को जितने पानी की ज़रूरत है आप उतना ही पानी पिए। आप ओवर हाइड्रेट अपनी बॉडी को करेंगे तो उसकी वजह से आपको काफ़ी सारी बीमारियां भी हो सकती है। आगे वाग्भट ऋषि ने क्या कहा है वो सुनते हैं, पिबेत स्वस्थो अपीच अल्पशः, मतलब जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उन लोगों को भी अपने शरीर की नीड के हिसाब से ही पानी पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। ज्यादातर जगह पे हम ऐसा सुनते हैं कि हमें उषा पान करना चाहिए। काफी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम उषा पान करते हैं। उषा पान मतलब सुबह उठकर पानी पीना, जल्दी उठ के बासी मुंह पानी पीना है ताकि आपकी जो सलाइवा है वो पानी के साथ अंदर जाए और आपकी बॉडी को काफी बेनिफिट हो। आयुर्वेद के जो 3 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसको बृहत्त्रयी कहा जाता है, जिसमें चरक ऋषि ने लिखा हुआ चरक संहिता है, सुश्रुत ऋषि ने लिखा हुआ सुश्रुत संहिता है और वाग्भट ऋषि द्वारा लिखा गया अष्टांग हृदय है, ये तीनों संहिताओं में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको उषा पान करना है, सुबह उठ के आपको 5-5, 6-6 ग्लास पानी पीना है, ऐसा आयुर्वेद में कहीं भी नहीं कहा गया है। आयुर्वेद में यही बताया गया है आपकी बॉडी की नीड के हिसाब से आपको पानी पीना है। अगर हम उषा पान करते हैं, और काफी सारे लोग उषा पान में बहुत ज्यादा पानी का सेवन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा पानी का सेवन करने की वजह से आपके पेट में पूरी रात के दौरान जो गैस्ट्रिक जूस पैदा हुआ है, जो डाइजेस्टिव जूस आपके पेट में पैदा हुआ है, वो पानी की वजह से उसमें घुल जाएगा और आपका अग्नि मंद हो जाएगा। जठराग्नि जब मंद हो जाएगा तो पूरे दिन के दौरान जो खाना आप खाओगे वो अच्छे से उसका पाचन नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से शरीर में आम दोष की वृद्धि होगी और आम दोष की जब वृद्धि होगी शरीर में टॉक्सिन्स पैदा होंगे तो उसकी वजह से काफी सारी बीमारियां भी हमें हो सकती है। आयुर्वेद के अष्टांग हृदय के दिनचर्या अध्याय में भी कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि उषा पान हमें करना है, यानी कि सुबह उठ के हमें बहुत ज्यादा पानी पीना है। आयुर्वेद में स्पेशली ऐसा कहा गया है कि रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नोः, मतलब कि जितने भी रोग हैं वो अग्नि मंद होने की वजह से होते हैं। अगर हमारा डाइजेस्टिव फायर कमज़ोर हो गया ज़्यादा पानी पीने की वजह से तो हमें काफ़ी सारे रोग हो सकते हैं। तो हमें हमारे अग्नि को देखते हुए, अपने रोग अपनी बल को देखते हुए हमें पानी पीना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा पानी पीने की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। दोस्तों ज़्यादा पानी पीने की वजह से अल्प अग्नि यानी कि मंदाग्नि हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, आपका जो गैस्ट्रिक जूस है, जो खुराक को पचाने के लिए यूज होता है, वो अगर डाइल्यूट हो गया, वो अगर घुल गया तो उसकी वजह से आपको अग्निमंद होगा। अग्निमंद होने की वजह से आपको गैस,
एसिडिटी, ब्लोटिंग और पूरा दिन आपको अपच की शिकायत और हाइपर एसिडिटी की बीमारी भी हो सकती है। दूसरा, ज्यादा पानी पीने की वजह से ग्रहणी बीमारी भी हो सकती है। ग्रहणी यानी कि जिसको हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में IBS कहते हैं, इरिटेटिंग बोवेल सिंड्रोम। आयुर्वेद में ग्रहणी रोग होने का एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है मंदाग्नि, और पानी ज्यादा पीने की वजह से अगर मंदाग्नि हुआ तो हमें ग्रहणी रोग भी हो सकता है। उसके अलावा अर्श यानी कि पाइल्स या बवासीर की बीमारी है, वो भी ज्यादा पानी पीने की वजह से यानी कि अग्नि मंद होने की वजह से, मेटाबॉलिज्म वीक होने की वजह से होती है, तो वो बीमारी भी हमें हो सकती है। दूसरा, हमें शोथ हो सकता है यानी कि ज्यादा पानी पीने की वजह से अगर आपकी किडनी में से उतना पानी बाहर नहीं निकला तो वो उसकी वजह से आपको पूरी बॉडी पे सूजन भी आ सकती है। आगे आयुर्वेद की संहिताओं में ऐसा बताया है कि पांडु रोग भी ज्यादा पानी पीने की वजह से हो सकता है। पांडु रोग यानी जिसको हम एनीमिया रोग कहते हैं, विटामिन्स की डेफिशिएंसी जिनको बार बार हो जाती है, तो उन लोगों को भी पानी पीने में काफी ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जो लोग कोई बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपोथायरॉइडिज्म है या मोटापे की बीमारी से पीड़ित है, उन लोगों को अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही पानी पीना है, ना कि किसी की बात सुनकर उनको पानी पीने का शुरू करना है। अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार, उनकी बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंगली उनको पानी पीना है। तो अब हम ये बात करते हैं कि पानी हमें कितना पीना चाहिए। पानी हर इंसान की बॉडी के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से हर पर्सन की पानी पीने की नीड अलग अलग होती है। हमें पानी पीने के लिए चार चीजें देखनी है, प्रकृति, देश, ऋतु और फिजिकल एक्टिविटी। ये चार चीजों पर डिपेंड करता है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृति के बारे में। जिन लोगों की, इंसान की तीन प्रकार की प्रकृतियां होती है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। जो पित्त प्रकृति वाले हैं, जिनका बॉडी का नेचर ही गर्म है, जिनका बॉडी का नेचर एसिडिक है, स्वाभाविक तौर पे उन लोगों को ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। जो लोग उसके सामने, जो वात या कफ प्रकृति वाले हैं, उन लोगों को पानी पीने की जरूरत कम होती है पित्त प्रकृति के लोगों की कंपेरिजन में। दूसरी हम बात करते हैं देश, मतलब कि अगर आप कोई ऐसे प्रदेश में रहते हैं, उष्ण प्रदेश में रहते हैं, जहाँ की आबोहवा बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, उन लोगों को ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो लोग उसकी कंपेरिजन में ठंडी जगह पे रहते हैं, तो उनकी पानी की नीड जो है वो कम हो जाएगी। हर पर्सन के लिए पानी की नीड एक जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती। तीसरा है ऋतु, मतलब कि सीजन के हिसाब से भी पानी की नीड होती है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है, समर सीजन है, तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा होती है, और अगर उसके सामने विंटर ऋतु है तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो आपको बॉडी की, आपकी ऋतु के हिसाब से भी पानी पीने का तरीका होता है। और लास्ट में है फिजिकल एक्टिविटी। कुछ लोगों की लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी होती है, मतलब के बैठने वाला जीवन होता है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम होती है, तो उन लोगों की पानी की नीड कम होती है। और जो लोग एथलीट होते हैं, जो लोग प्लेयर्स होते हैं, जो लोग जिम जाते हैं या ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, तो उनकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि हमें पानी किस तरह से और कब कब पीना है। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि खाना खाने से एक घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं, और खाना खाने के बाद एक घंटे के बाद हम पानी पी सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि भोजने च अमृतम वारी, मतलब भोजन करने के दौरान जब हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते अगर हम पानी पीते हैं तो वो अमृत के समान है, क्योंकि खाना खाते खाते अगर पानी साथ में जाएगा तो वात पित्त कफ, हमारे जो तीनों दोष हैं, उसको बॉडी में बैलेंस करता जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि भोजने च अमृतम वारी, भोजनांते विषम वारी, मतलब भोजन करने के बाद हमें पानी पीना नहीं है। भोजन करने के बाद पानी पीना वो विष पीने के समान है, क्योंकि भोजन करने के बाद हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है, वो खुराक को पचाने के काम में लग जाता है। जब हम पानी डालते हैं तो वो जूस जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, और अल्टीमेटली मंदाग्नि होती है। अग्निमंद होने की वजह से आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, शरीर को विटामिन और कैल्शियम अच्छे से नहीं मिलता है, और अपच की शिकायत होती है, और उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने यहां पे बात की इस वीडियो में कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, हमें पानी कब पीना चाहिए, कौन सी ऋतु में और कौन से समय पर हमें पानी पीना चाहिए। आशा रखता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही दूसरे वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करें। थैंक यू। और संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल का वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार है। अरे देर किस बात की, जब हम होंगे साथ तो रहिए बेफिक्र आप। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल,
Rejuvenate your mind, body and soul. Call now 75750-98494 या 98794-28494. 116, 117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेहा संकुलवाड़ी आनंद महल रोड अडाजन सूरत.